हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू रीड ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन कैसे पढ़ाया जाए ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि ऑप्शन चेन के बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे भी मेरे फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर एक सीरीज आने वाला है, तो वो भी तभी भी मैं वापस ऑप्शन और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वीडियोज बनाऊंगा। और जैसे कि मेरा डेली व्यू या वीकली व्यू भी आता है तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ऑप्शन चेन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। इस वीडियो में मैं ऑप्शन चेन के बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़्यादा ऑप्शन राइट होते हैं तो उसमें हम लोग उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो जो है आप आखिर तक देखते रहिए। हमको ऑप्शन चेन देखने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेली व्यू, वीकली व्यू और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज यहाँ पे हम लोग ने अपलोड किए हैं, तो वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर जाके हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है। तो यहाँ पे आप nseindia.com ये करोगे, टाइप करोगे, ये पेज आ जाएगा एनएसई इंडिया का। वहाँ पे ये लाइव मार्केट है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन है, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में आप इसको क्लिक करो तो आप ऑप्शन चेन के पेज के ऊपर जाओगे। तो पहला जो ऑप्शन चेन आता है वो निफ्टी का हमको दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो निफ्टी है देखिए, और ये निफ्टी का यहाँ पे जो रहता है करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो एक 10,859 करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का है। और यहाँ पे निफ्टी का है वैसा ही आप इंफ्रा निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी सबका आप यहाँ पे ये ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि ये ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है कि ये येलो और वाइट कलर, तो वो क्या रहता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पे सब कॉल दिए हुए हैं और यहाँ पे कॉल दिए और यहाँ पे देखिए ये पुट दिए, तो ये पूरा एरिया ये पुट का है और ये वाला जो है लेफ्ट वाला कॉल का है। और यहाँ पे आपको जब तक येलो दिख रहा है यानी कि ये जो 10,850 उसके बाद है 10,900, तो एक स्ट्राइक प्राइस रहता है हर 50-50 पॉइंट का गैप में। तो जो जहाँ तक मार्केट करंट मार्केट प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है उसको इन द मनी बोलते हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल स्ट्राइक प्राइस, और उसके नीचे रहेगा ये व्हाइट पोर्शन में दिखाया। वैसे ही पुट साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस के नीचे यानी कि अभी 10,900 के नीचे मार्केट है, तो 10,900 तक जितने भी स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी है, उसके नीचे वाले सब जो दिख रहे हो आपको ये आउट ऑफ द मनी है। अभी हम लोग कुछ ये देखेंगे ऑप्शन चेन में कि यहाँ पे जो कॉलम्स रहते हैं वो कॉलम्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो वॉल्यूम क्या रहता है कि दिन में जितने भी बायर सेल होते हैं वो नेट बायर सेल आपको दिखाता है यहाँ पे, यानी कि अगर कोई 20 कॉल बेच रहा है तो कोई 20 कॉल बाय कर रहा है, तो उसके टोटल 20 का वॉल्यूम हो गया, 20 का वॉल्यूम हो गया। ओपन इंटरेस्ट में क्या रहता है कि ओपन इंटरेस्ट में ऐसा रहता है कि किसी ने निफ्टी बाय किया, किसी ने सेल किया, तो ऊपर ओपन इंटरेस्ट बन गए। लेकिन अगर जिसने निफ्टी बाय किया था उसने निफ्टी वापस सेल किया यानी कि अपना पोजिशन स्क्वेयर अप किया, तो ओपन इंटरेस्ट में वो क्वान्टिटी बढ़ता नहीं है, यानी ओपन इंटरेस्ट में उतना ही क्वान्टिटी दिखता है आपको जितने पोजिशन ओपन है, इसलिए उसको ओपन इंटरेस्ट भी बुलाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, अगर ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन ऐड हो गया तो आपको ये पॉजिटिव में बताता है, अगर यहाँ से कोई पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो गया तो आपको ये नेगेटिव में बता देता है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद वॉल्यूम रहता है यानी कि क्वांटिटी कितने ट्रेडेड हुए। उसके बाद आता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आईबी, जिसको बोलते हैं आईबी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो आईबी में जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप ऑप्शन का स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आईबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आईबी क्या रहता है कि यहाँ पे अगर ये लंबा का स्ट्राइक रेट है, तो आपको मैं नजदीक वाले स्ट्राइक रेट बताता हूँ जहाँ पे ये इम्प्लॉयड वॉलिडिटी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईबी जो है 11.91 है, जो एक स्ट्राइक प्राइस है वो अभी करंट वाला 10,850। इसको नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस है तो उसको कभी कभी एटीएम भी बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन चेन को आपको ये इन द मनी दिखेगा। तो उसका इम्प्लॉयड वॉलिडिटी 11.91 है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो आईवी रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 11-12 उसके आसपास रहता है, तो ये आईवी कम है, यानी कि वॉलिडिटी अभी थोड़ा कम है। जब भी आईवी 20 के आसपास जाएगा तो वॉलिडिटी मार्केट में ज्यादा है। उसका मतलब क्या होता है कि ये कॉल पुट के रेट जो रहते आईवी ज्यादा रहेगा तो महंगे रहते। तो अभी का केस में ये जो एक प्रॉपर लेवल पे रहेंगे यानी कम रहेंगे, तो बाइंग करने के लिए ठीक ठाक रहेंगे। उसके ऊपर आप जो स्ट्रेटेजी है, वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी या साइडवे स्ट्रेटेजी, आप इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे ऊपर बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एलटीपी, मीन्स लास्ट ट्रेडिंग प्राइजेस। जब मार्केट क्लोज होता है तो, या फिर अगर मार्केट चालू है तो करंट वाला यानी कि लास्ट वाला प्राइस क्या है उसको बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडिंग प्राइजेस। नेट चेंजेस मीन्स कल से इसमें कितने पॉइंट बढ़ गए या कम हो गए, ये आपको नेट चेंजेस में दिखेंगे। बिड क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी जो है कि बाई को है, बिड एंड आस्क, तो बायर और सेलर का ये रेट भी दिखाता है। तो बिड आस्क में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कुछ नहीं है, बायर और सेलर का प्राइस है, इतना ही है। उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस दोनों को भी कॉमन है, यानी कि कॉल और पुट को दोनों को भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा करंट इसमें आते हैं, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट रहेगा, और ये साइड आपके राइट साइड यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट रहेगा। तो अभी अगर आपको देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे है, तो जहाँ पे अगर कॉल राइटिंग हुआ यानी कि जहाँ पे कॉल का क्वांटिटी ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो एक सिनेरियो में हम लोग टिक करेंगे ए वाला है। उसके बाद ए यहाँ दिख रहा है आपको राइट, तो उसके बाद भी कोई दिख रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे हमको नजदीक वाला ये दो दिख रहे हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे, तो ये स्ट्राइक प्राइस है 11,1200, और ये वाला स्ट्राइक प्राइस है कौन सा है 11,000। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइट हुआ है। अगर आप बोलोगे कॉल राइट हुआ मींस क्या, कि जैसे कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बताए, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बायर का भी रहेगा और सेलर का भी रहेगा। तो ऐसे क्यों बोलते हैं, जब भी आप ऑप्शन चेन कोई भी रीड करता है तो यहाँ पे कॉल या पुट राइट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग कॉल का बात करते हैं, तो यहाँ पे सेलर को राइटर बोलते हैं। इस जगह पे जो बाइंग और सेलिंग हुआ है, बायर और सेलर का दोनों का भी हुआ है, लेकिन जो बाइंग करते हैं वो ऑप्शन बायर रहते हैं, और ऑप्शन सेल करते हैं वो ऑप्शन राइटर होते हैं। तो ऑप्शन राइटर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि ऑप्शन राइट करने के लिए ज़्यादा फंड लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन बाय करने को कम लगता है। और ऑप्शन जो सेल करते हैं वो हेज फंड या FIs, वो जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वही मोस्टली सेल करते हैं। और 80% ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम पे मोस्टली जीरो यानी वर्थलेस क्लोज होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो सेलर है, अगर जहाँ पे भी आप ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे राइटर है। तो जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऐसा पोजीशन बनाए कि इनको इनको लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाने को ज़्यादा नहीं देखेगा, यानी यहाँ पे उनको रेसिस्टेंस आएगा। और रेसिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे ये है कि LTP जिसमें ये प्रीमियम है या फिर ये प्रीमियम है, अगर ये इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं जाएगा तो एक्सपायरी में जीरो हो जाएगा, और जो सेलर है उनको ये बेनिफिट उसका मिल जाएगा। वैसे हम लोग अगर देखते हैं कि ऑप्शन पुट के साइड में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो पुट साइड पे देखेंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे 10,500 है, यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है। अगर हम लोग थोड़ा और भी नीचे जाएंगे तो
10,000 जो है यहाँ पे देखिए 10,000 यहाँ पे भी ओपन इंट्री देखिए अच्छा खासा बना है, उसके बाद 10,500 के ऊपर बना है राइट। और अभी यहाँ पे यानी कि हम लोग अगर सपोर्ट देंगे नजदीक वाला तो 10,500 और ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस है जो है कि 11,000 और उसके बाद 11,200। अभी इतना बड़ा रेंज क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि एक्सपायरी को बहुत टाइम है, करीब करीब 30 to 35 days है, अभी नया सीरीज चालू हुआ है, तो ये जो हेजिंग ये रहेगा वो थोड़ा दूर दूर रहेगा। अभी हम लोग एक देख लेते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जिन स्टाइक प्राइस में ज्यादा से ज्यादा ये बैठे हैं, तो ये भी है ए वाला टेल 11,200 और दूसरा जो है कि 11,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे और पोजीशन ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे नए लोग और भी आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे जैसे कि 10,800, तो 10,800 का जो कॉल का राइटिंग है उसमें देखिए कि नेगेटिव फिगर है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव, यानी कि यहाँ से निकल रहे लोग, यानी कि अपना क्लोजिंग पोजिशन है अनवाइंड कर रहे या फिर निकाल रहे, खाली कर रहे, यानी कि अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं कि इसके नीचे क्लोज होगा, इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ए वाला तो 10,850 का यहाँ पे भी पोजिशन स्क्योर अप किया है, लेकिन 10,900 और उसके ऊपर वाले जो है 10,900 के ऊपर सभी में पोजिशन एड हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है, यानी कि चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये जो रेसिस्टेंट ऊपर वाले जो रेसिस्टेंट है यहाँ पे 11,000 और 11,200 यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और पुट साइड में जहाँ पे हमने और एक नया यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है जो 10,800 का यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी अगर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, जैसे कि हमने नीचे देखा था 10,500 तो ऊपर उसके 10,800 यहाँ पे भी हमको थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे जो है कि पोजिशन निकल रहा है 10,700 पे, थोड़ा सा पोजिशन स्क्वेयर अप हो रहा है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि मीन्स ये जो है पहले 10,500 उसके बाद 10,800 ये और 10,500 के नीचे 10,000 ये एक सपोर्ट के काम करेंगे, और रेसिस्टेंस के 11,000 और 11,200 रेसिस्टेंस के काम करेंगे। तो अभी जैसे ये सीरीज नया चालू हुआ है तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है थोड़ा दूर दूर रहेंगे, जैसा कि मार्केट डेवलप होता रहेगा, एक्सपायरी नजदीक आएगा तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेंज भी होंगे। तो आप पूछेंगे अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होते हैं तो अभी जिन्होंने पोजीशन बनाए उनको क्या फायदा होता है, कि अभी जो जैसे कि ऑप्शन प्रीमियम है, जब आप ऑप्शन का एलटीपी देखो यहाँ पे उनके प्रीमियम है बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े है। तो यहाँ पे जैसा ये टाइम निकलते जाएगा तो इसका टाइम डीके का पैसा इनको मिलेगा और उनको फायदा हो जाएगा, इसलिए अभी से ही उन्होंने पोजिशन बना के रखा है। अगर मार्केट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो कौन सा पोजिशन उनको प्रॉफिटेबल मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ये जो रहेगा ये कॉल का रहता है, यहाँ पे पुट का रहेगा, तो इसके ऊपर से आप हम लोग यहाँ पे पुट कॉल रेशियो भी निकालते, तो पुट कॉल रेशियो के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा और आपको अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कॉल और पुट ये करते हैं कैलकुलेट करते तभी इसने एनएसी ने 10% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जब भी ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी जब कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसे आप ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का मेरे को रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, और डिटेल में भी हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के हम लोग क्लासेस लेते हैं यहाँ ठाणे मुंबई में, वहाँ के आप मेरे साथ भी फ्यूचर ऑप्शन या फिर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सब डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक भी ज़्यादा दीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए कि फ्यूचर में आपको कौन से वीडियो चाहिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।